अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। तो आज हम अपने किचन में बनाएंगे पोटैटो गार्लिक नान, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बनेंगे, झटपट से रेडी हो जाएंगे। सभी को ये रेसिपी बड़ी मज़ेदार सी लगेगी। फर्स्ट टाइम में भी आप परफेक्ट ये रेसिपी बना सकते हैं। ना ही ओवन की ज़रूरत है, ना ही इन्हें बेक करने की ज़रूरत है। आज हम बनाएंगे तवे पर नान, वो भी बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बन के रेडी होंगे। टेस्ट तो इसका कोई जवाब नहीं है, इतने कोई मज़ेदार से ही बन के रेडी होंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए हैं 3 बड़े साइज़ के आलू, इनको मैंने कर लिया है बॉईल। और फिर आपने इसे ग्रेटर से ग्रेट करना है। अब इनको हम कर लेंगे ग्रेट, सारे ही आलू को ग्रेट करेंगे, क्योंकि हमें इसे आटे में डाल के गूंदना है। तो बहुत अच्छे से हमने बारीक वाला ग्रेट कर लीजिए या मोटा वाला, लेकिन इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। आप इस तरीके से बहुत अच्छे से फाइन साइज से ग्रेट कर लीजिए। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से सारे ही आलू हमारे ग्रेट हो गए रेडी हो गए हैं। और ये देखिए कितने बारीक वाले से करना चाहते हैं आप ग्रेटर से, तो बारीक वाले से कर लीजिए। ये हम रख देंगे साइड में। अब हम लेंगे एक बाउल, इसके अंदर डाल देंगे 1/2 kg ऑल पर्पज़ फ्लार, मतलब मैदा ले लेंगे हम 1/2 kg। आप वाइट आटा भी ले सकते हैं, आप घर का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे से ये ज़्यादा मज़ेदार से बनते हैं। साथ में डाल देंगे 2 चाय के चम्मच डाल देंगे हम नमक, और साथ ही हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 tablespoon के बराबर, 1/2 खाने का चम्मच। कलौंजी भी डाल देंगे 1/2 tablespoon, 1/2 खाने का चम्मच। साथ ही डाल देंगे बेकिंग पाउडर 1 teaspoon। इससे बहुत अच्छे से फ्लफी से नान बन के रेडी होंगे। और ऑयल डाल देंगे 3 tablespoon, 3 खाने के चम्मच डाल देंगे हम तेल। आप घी भी डाल सकते हैं, तेल की जगह अगर आपके पास घी है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही डाल देंगे 1/2 cup दही, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए दही, फ्रेश दही होना चाहिए। और साथ ही हम 1/2 गड्ढी के बराबर डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इससे बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। और जितने हमने आलू ग्रेट करे थे 3 बड़े साइज़ के, वो हम ऐड कर देंगे सारे ही मैदे के अंदर। अब इसे डाल के आपने क्या करना है कि हाथ से पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है मैदे को और आलुओं को। और अगर जब हमें नीट लगेगी पानी की, तो हम हल्का हल्का सा चीटा डाल के इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए पहले बहुत अच्छे से आपने मिक्सिंग कर लेनी है। पानी बहुत ज़्यादा कम लगेगा इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें, कम क्वांटिटी लगेगी पानी की, लेकिन आपने हल्का हल्का सा चीटा डाल के डालना है इसमें, वरना आपके आलू जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर आपसे ये नान जो है अच्छे नहीं बनेंगे, संभलेंगे नहीं, क्योंकि ये आलू भी ना पानी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने मिक्सिंग कर ली है, और जितना भी ड्राई आटा है ना वो आप निकाल निकाल के इसके ऊपर डाल के अच्छे से मिक्सिंग करते जाइए, नीचे से ड्राई मैदा जो है वो निकालते जाइए। अब देखिए मुझे हल्की सी नीट लग रही है पानी की, तो मैं हल्का हल्का सा पानी इस तरीके से छीटा डाल डाल के डालूँगी, और इसे जो है ना आटे की तरह सारा ही गूंद लूँगी, जिस तरीके से हम आटा गूंदते ना। नॉर्मल सी डो बनानी है आपने, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम, बिल्कुल सॉफ्ट सी नॉर्मल सी डो बना के रेडी कर लेनी है, जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं देखिए। और बहुत ही ज़्यादा मज़े के और फ्लफी और सॉफ्ट से ये बन के रेडी होते हैं नान। तो ये देखिए सारा ही आटा कंबाइंड हो गया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें हल्की हल्की सी मुक्की लगा लेंगे आटे की तरह। अच्छा ये बहुत जल्दी से गूंद जाएगा, बहुत ज़्यादा इसको गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 बार इस तरीके से कंबाइन करने के बाद आप मुक्की लगाएंगे, वो भी हल्के हाथ से, और इसको एक जान करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए कितना अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा हमारा गुना है, और इतने आटे में आपके 10 से 11 नान आराम से बन के रेडी होंगे नॉर्मल साइज़ के। तो ये देखिए इस तरीके से आपने करना है, और ग्रेट आपने आलूओं को लाजमी करना है, वरना इसमें अगर गुठली होगी तो आपके नान नहीं बनेंगे। फिर ये देखिए अब हम ऊपर से 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लगा के इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए। ज़्यादा नहीं रखना है, 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, वरना आलू जो है ना वो पानी छोड़ देंगे। अब देखिए आप इस तरीके से इनके पेड़े बना लीजिए, जिस तरीके से रोटी बनती है जितना पेड़ा रोटी को होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पेड़ा लेना है आपने, मोटा पेड़ा लेना है, और इस तरीके से देख के बना लीजिए। मैं इसी तरीके से सारे ही पेड़े बना लूँगी, आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से बना लीजिए। इस पे ऑयल लगा हुआ है, और अगर आप खुश्का डाल के बनाना चाहते हैं तो खुश्का डाल के भी बना सकते हैं। देखिए खुश्की लें आप थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये हाथों में थोड़ा सा स्टिक होगा, और इस तरीके से सारे ही पेड़े बना के रेडी कर लीजिए। 10 से 12 नान आराम से आपके बन जाएंगे नॉर्मल साइज़ के।
तो ये देखिए मैं इसी तरीके से सारे ही पेड़े बना के रेडी कर लूँगी। लास्ट पेड़ा भी हमारा बन के रेडी हो रहा है। इसी तरीके से मैंने सारे ही पेड़े बना लिए हैं। अब ये देखिए, ये आप इसे रेस्ट नहीं देना है, इसे फौरन फौरन जो है आपने बना लेना है। ये देखिए पेड़े हमारे बन के हो गए हैं रेडी। अब हम इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन करके पेड़े बेलते जाएंगे और फौरन से फौरन हम रोटी बनाते जाएंगे। जिस तरीके से रोटी बनती है इस तरीके से आपने इसे तवे पर ही सेकना है। तो ये देखिए खुश्की डालिए और इसको हल्के हाथ से आपने बेल लेना है, मीडियम साइज़ का, ना ही बड़ा बेलना है ना ही छोटा। जिस तरीके से नान होता है ना, जिस साइज़ का उस साइज़ का बिल्कुल हल्के हाथ से आपने बेलना है, वरना ये फट जाएंगे, आपसे संभलेंगे नहीं। तो ये देखिए बहुत हल्के हाथ से मैंने इसे नान जो है वो बेल लिए हैं। अब हम इन्हें सेकेंगे। देखिए कितने स्मूथ से बने हैं, बिल्कुल भी फटे नहीं हैं और इक्वल आपने सारे इस सबका साइज़ ही इक्वल रखना है। अब ये उठा के हम डालेंगे तवे पर, अपने पैन में या तवे में आप बना लीजिए। जब ऊपर हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो इसकी साइड आप कर दीजिए चेंज और मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसे सेकना है ताकि ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएंगे और बिल्कुल नान की तरह जो है ना ये फूल जाएंगे। तो ये देखिए ऊपर से किसी भी चीज़ से आप प्रेस करते जाइए, प्रेस कर करके आप इसे जब पकाएंगे ना तो ये अच्छे से जो है फूल जाएंगे और अंदर तक से सिक भी जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपने लाजमी करना है ताकि इस पे कलर जो है ना बड़ा खूबसूरत स्पॉट्स जो हैं वो इसके बड़े खूबसूरत आते हैं। देखिए दूसरे साइड से भी मैंने अच्छे तरीके से इसे सेक लिया है। दोनों साइड से इस तरीके से दबा दबा के आपने सेकना है और आपका नान हो जाएगा रेडी। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है इनके ऊपर और इसी तरीके से हम नान सेकते जाएंगे और अलग रखते जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना फूला फूला नान बन के रेडी हुआ है और कितने खूबसूरत से इसके गोल्डन स्पॉट्स इस पे आए हैं। ये देखिए इसी तरीके से आप सारे ने ही नान बना लीजिए। माशाल्लाह से कितने फूले फूले से नान बने हैं। बाहर भी इस तरीके के नान आपको नहीं बने मिलेंगे जिस तरीके से आप घर में बनाएंगे। और ये देखिए इनका लुक कितना खूबसूरत आया है और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से ये नान बनके रेडी हुए थे। बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। इसी तरीके से आप सारे ही नान बना के रेडी कर लीजिए। ये देखिए कितने सॉफ्ट और बहुत ही, ये देखिए मैं आप लोग इस तरीके से भी दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हम इसी तरीके से आप सारे नान बना लीजिएगा और फिर इसके बाद हम इस पर लगाने के लिए बनाएंगे गार्लिक बटर गार्लिक, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। नान गार्लिक के बगैर तो अधूरे हैं, उससे बड़े मज़ेदार सा टेस्ट आता है और लुक भी बड़ा अच्छा सा आता है शाइन सा। देखिए एक अलग सेपरेट पैन में मैंने ले लिया है 2 से 3 खाने के चमचे बटर और इसको हम कर लेंगे मेल्ट। ये स्टेप आपने लाजमी करना है, इससे बड़े मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। आपके जो नान है ना वो मज़ीद मज़ेदार से हो जाएंगे और लुक भी इनका बहुत ही खूबसूरत सा हो जाएगा। साथ ही हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच गार्लिक। लहसुन को मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया। अब इसको लहसुन को हम फ्राई करेंगे बटर के अंदर। इतना फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन होता है ना, तेज़पन, वो ख़त्म हो जाए लेकिन लहसुन पे जो ये कलर नहीं आए और ना ही ये गोल्डन हो, ना ही इसको आपने जलाना है। बस इतना आपने कुक करना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से जो है वो ये गार्लिक हमारा कुक हो जाएगा बटर के अंदर और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था ये। तो इसके बाद हम आधी गड्डी के बराबर डाल देंगे धनिया। धनिया डालते ही आपने चूल्हा जो है वो ऑफ़ कर देना है, फ्लेम ऑफ़ कर देना है ताकि हमारा धनिया का कलर भी चेंज नहीं हो और धनिया हमारा जल नहीं जाए। तो बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है, फ़ौरन से आपने कर देना है फ्लेम को ऑफ और इसको लगा देना है सारे ही नान के ऊपर, जिससे इसका टेस्ट इतना कोई मज़ेदार सा हो जाएगा कि आप लोग बना के ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी मेरे कहने से एक मरतबा ज़रूर बनाइए क्योंकि इतने मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप लोग पराठे बनाते हैं वो आप बहुत डीप फ्राई कर लेते हैं ऑयल डाल डाल के, बहुत अनहेल्दी होते हैं। तो ये हेल्दी सी रेसिपी बनाइए, मज़ेदार भी होगी हेल्दी भी होगी। तो ये देखिए सारे ही नान पे हम इसी तरीके से गार्लिक को जो ब्रश कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे सलाद और लाल चटनी और रायते के साथ।
और बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट लगेगा चटनी रायते के साथ। और लुक देखिए इसका कितना खूबसूरत आया है, झटपट से ये रेसिपी रेडी हो जाएगी बनके और इतनी कोई ज़्यादा मज़ेदार सी बनेगी कि आप गर्मी का मौसम है ज़्यादा कुछ बनाना नहीं चाहते हैवी, तो आप ये रेसिपी बनाइए और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार से हमारे पोटैटो गार्लिक नान जो है वो बन के रेडी हैं झटपट से, और ये माशाल्लाह से देखिए कितने ही सॉफ्ट, अभी तक सॉफ्ट हैं ये। और ये देखिए इसी तरीके के आपके भी बनेंगे अगर आप ये रेसिपी सेम फॉलो करेंगे, और टेस्ट में तो ये इतने कोई मज़ेदार से हैं कि आप लोग लाजमी एक मरतबा ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। के जी अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे मज़ेदार सी न्यू सी यूनिक सी रेसिपी के साथ।